नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं महिलाओं की एक कॉमन प्रॉब्लम के बारे में, जो कि है पीरियड का रेगुलर ना होना, यानी कि पीरियड टाइम पर ना आना, पीरियड की अनियमितता। दोस्तों, महिलाओं में पीरियड की नियमितता यानी कि रेगुलर अगर उनके पीरियड आ रहे हैं तो इसे माना जाता है कि वो उनकी सेहत काफ़ी अच्छी है। वहीं अगर पीरियड देरी से आते हैं या रेगुलर नहीं रहते हैं, टाइम पर नहीं आते हैं, तो इसकी कुछ कारण हो सकते हैं, कुछ वजह हो सकती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको वही कारण और वही वजह बताने वाले हैं जिसकी वजह से अगर आपके भी पीरियड टाइम पर नहीं आते हैं तो ये कारण हो सकते हैं जो हम आपको आगे बताने वाले हैं, जिनके कारण आपके शायद पीरियड रेगुलर नहीं रहते हैं। तो ऐसे कौन कौन से कारण हैं, चलिए जानते हैं। दोस्तों, पहला कारण होता है कम या अधिक उम्र में महावारी की शुरुआत होना। जी हाँ, कई बार कई लड़कियां ऐसी होती है जिनको बहुत कम उम्र में ही उनके पीरियड्स स्टार्ट हो जाते हैं, तो वहीं कुछ दूसरी ओर ऐसी लड़कियां भी होती हैं जिनके पीरियड्स काफ़ी उम्र के बाद स्टार्ट होते हैं। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि ये एक बहुत ही जनरल बात है, बहुत ही सामान्य सी बात है। समय के साथ आपके पीरियड्स रेगुलर हो जाएंगे, इसलिए इस बात की आप चिंता ना करें। बात करते हैं दूसरे कारण की, जो कि है वजन का बढ़ना। जी हाँ दोस्तों, वजन का अत्यधिक बढ़ना या फिर मोटापा भी माहवारी में अनियमितता का एक मेन कारण माना जाता है। कई बार यह समस्या थायराइड के कारण होती है, अतः डॉक्टर की सलाह ऐसे में आपको लेना आवश्यक है। अगर आपका वजन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है या अचानक से आपका वजन बहुत ज़्यादा बढ़ा है तो ये भी एक मेन कारण बताया जाता है पीरियड के रेगुलर नहीं होने का, तो ये भी एक कारण हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों, हमारी दिनचर्या और खान पान में बदलाव के कारण भी कई बार पीरियड्स जो है महिलाओं में देरी के साथ आते हैं या फिर जल्दी आ जाते हैं। ऐसे में अपनी जीवन शैली और डाइट को व्यवस्थित करके आप इसे नियमित कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, माहवारी देर से होने का एक गंभीर कारण पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम हो सकता है। दोस्तों, हमने आपको पहले जो कारण बताए हैं उनमें से किसी भी कारण आपसे मैच नहीं खाते हैं तो आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको अपनी डॉक्टर के पास जाना है और इसकी जांच करवानी है, क्योंकि ये थोड़ी गंभीर प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों, आखिरी कारण बताएं, जो कि है तनाव या स्ट्रेस। जी हाँ, बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा एक्सरसाइज करना या फिर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेना, ये भी एक मेन कारण होता है पीरियड्स के रेगुलर ना आने के लिए। तो दोस्तों, कुल मिला के ये थे कुछ ऐसे आम सी कारण या आम सी वजह जिसके कारण शायद आपके पीरियड रेगुलर नहीं आते हैं। और दोस्तों, इन कारणों के अलावा अगर आपको कोई और कारण महसूस होता है तो ऐसी सिचुएशन में आप अपने डॉक्टर को चेकअप करवा सकते हैं। तो दोस्तों, यही थी हमारी आज की एक और महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी लोगों के लिए, जो होती है यहीं समाप्त। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें, ताकि हर व्यक्ति तक ये वीडियो पहुंच पाए।